मोहद्दीपुर से लेकर जंगल कौड़िया तक बनाए जाने वाले 17 किलोमीटर फोर लेन के बीच में आ रहे बिजली के पोलों को विद्युत विभाग द्वारा हटाने का काम जोरों से किया जा रहा है। इसी के साथ ही सड़क के बीच में अस्थायी पोल लगाकर आसपास के लोगों को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके संबंध में विद्युत वितरण निगम नगरी क्षेत्र के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि PWD के द्वारा कार्य संपन्न होने के बाद बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। फिलहाल इस समय फोर लेन के बीच में आ रहे विद्युत के पोलों एवं तारों को हटाने का काम किया जा रहा है। विद्युत अभियंता यदुराम ने बताया कि गोरखनाथ वर ब्रिज से मोहरीपुर तक निर्माणाधीन फोर लेन के बीच पड़ने वाले विद्युत पोलों को 2 से 3 दिन के भीतर हटा दिया जाएगा तथा शेष काम PWD के द्वारा सड़क निर्माण के बाद किया जाएगा। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत वितरण निगम नगरी क्षेत्र के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया। देखिए, सड़क के बीच में जो पोल लगे हैं उसको उखाड़ करके हम लोग जो है किनारे शिफ्ट कर रहे हैं टेम्पोरी रूप से। PWD द्वारा जो है ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है चौड़ीकरण का। जब वो ट्रेंच का निर्माण कर लेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है अंडरग्राउंड लाइन वहाँ बनेगी केबल के थ्रू। जो है ST LT सभी लाइनें जो है अंडरग्राउंड होंगी। अभी टेम्पोरी रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग जो है लाइन को शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, PWD का जब काम पूरा हो जाएगा, ट्रेंच का काम पूरा हो जाएगा निर्माण का, उसके बाद हमारा काम फाइनल अंडरग्राउंड केबल वाला काम तभी पूरा हो पाएगा। अभी तक कहाँ तक हटाने की योजना है पुल को? अभी तक देखिए, ये मोहरीपुर तक का तो ये काम जो हो रहा है मोहद्दीपुर से लेकर के जंगल कौड़िया तक का हो रहा है। 16-17 किलोमीटर की लंबी मतलब है लाइन बनेगी जो है। तो अभी तो ये काम जो है जो टेम्पोरी काम हमारा हो रहा है, टेम्पोरी वाला काम तो अब काफ़ी हद तक सिमट गया है। 2-3 दिन का काम है, इसके बाद टेम्पोरी हमारे काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब PWD अपना काम पूरा कर लेगा तो उसके बाद फिर हम अंडरग्राउंड का काम करेंगे।